गेस करना है क्या है? So hey, what is up everybody? Assalamualaikum, namaste. Welcome back to my YouTube channel, The AM Vlogs. Yes, तो हम आ चुके हैं अपने YouTube channel पर वापस एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ. और बाकी तुम सब कैसे हो? बढ़िया, एकदम मस्त, मजे में. बढ़िया रहो, मस्त रहो, मजे में रहो, बाकी लाइफ सेट है. देखो, टाइटल से तो तुम्हें पता चला कि वीडियो क्या है. अब वीडियो में होने क्या वाला है ये तो तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसके लिए पूरा वीडियो देखो एंड तक. देखो, बहुत मजे आने वाले हैं. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ यहाँ जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइबर बढ़ा दो. मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है. चार चीज़ें मेरे पास है, मतलब समथिंग ईटेबल बियर प्रोडक्ट्स और समथिंग ईटेबल बियर प्रोडक्ट्स चार सिमरन के पास है. तो मैंने सिमरन को कहा था कि चार तुम ढूंढ के रखना और मुझे बताने क्या है. और मैंने भी चार कुछ चीज़ें लेके आया मेरे साथ. तो मैंने बताया नहीं सिमरन को कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं चार. तो ऐसा होगा कि मैं इसके आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और मैं वो चीज़ से खिलाऊंगा इससे वो चीज़ गैस करनी है. ओके, और पॉइंट्स रहेंगे जैसे 4-4. जो भी कम पॉइंट्स रहेंगे, जो भी लास्ट में हारता है उसको मिलेगा डेयर. बट डेयर अब नहीं होगा, डेयर तुम सब डिसाइड करोगे. तो डेयर जो भी होगा वो तुम्हें कमेंट में लिखना होगा. मतलब जो भी हारते हैं उसके हिसाब से तुमको डेयर कमेंट में लिखना होगा और वो डेयर के लिए हम और एक वीडियो बनाएंगे. तो बहुत मजा आने वाला है. तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गो. तो पहले आंखों पे पटने, पहले कौन जाएगा डिसाइड करने से पहले विल प्ले स्टोन पेपर सीजर. ओके, स्टोन पेपर सीजर. सो यू आर गोइंग फर्स्ट. अच्छा, ओके. तो पब्लिक फर्स्ट चैलेंज के लिए रेडी है. तो सिमरन स्टोन पेपर सीजर में हार गई तो सिमरन टर्न टू गेस व्हाट्स इन हर माउथ. तो शुरू करते हैं. बस सच में अमेजिंग, मजा आएगा. How it will be part. Let's go. So, do okay. इसके बाद पानी मिलेगा पर गैस. फटाफट फटाफट कॉफी. हाँ बराबर डन. श्योर? हाँ लो. ओके, रिमूव योर कॉफी. मैंने सही गैस किया कि वो कॉफी है. तो 1 पॉइंट सिमरन के. माय टर्न. देखो 1 पॉइंट सिमरन को मिल गया है, मेरे को अभी ऐसा धक धक हो रहा है. इधर कुछ तो ऐसा गड़बड़ लग रहा है. ऐसा 2-3 चीजें मिक्स करके नहीं. हाँ हाँ ओके. मसाला है. मसाला का छोले मसाला. हाँ छोले मसाला. तो मसाला है ना, बोला मैंने मसाला है, गरम मसाला है. तो वो सब सेम रहता है ऑलमोस्ट. अपन ने मैंने कहा था, मेरे को पता चलता है मसाला था और अपन ने सीधा गैस कर लिया. नाउ इट्स सिमरन का टर्न. तो सेकंड से मजे पता चल जाएगा बट देखते हैं. Thank you.
हाँ हाँ सीधा बड़ा हाँ ऐसे चेक वेक नहीं कर सकता देख के नहीं पता सही है इसके देखो चीजें वियर है बट गेस करने में आसान है कि नहीं मतलब पता नहीं ब्रश किया था कि नहीं इसमें बहुत बदबू आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने ब्रश भी कर लेंगे तो ब्रश लेके आओ गो गो ब्रश एंड कम गो 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 सच में मुंह से बहुत बदबू आ रही थी तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे चैलेंज कर सकते हैं सामने बैठी है यू नो इट्स नॉट गुड और वो भी ऐसे माहौल में जल्दी जल्दी ब्रश करके वापस आ सो नाउ द स्कोर इज 2-1 और अपना ये सेकेंड राउंड है फटाफट हाँ रेडी रेडी इट्स अ ब्रेड केक स्वीट ब्रेड केक है और ये केक सूरत ने बनाया था शायद परसों या कल मेरे को टेस्ट से पता चला क्योंकि बहुत अच्छा है केक ज्यादा कुछ नहीं केक अच्छा इतना फीका केक काहे को बना सिर्फ हां ना फिका केक का है केक कौन गिरा रहा है केक आराम से गेस कर पाएंगे कोई भी तो स्कोर हो गया 2-2 और लेट्स गो राउंड 3 गेस कर लिया तो सही है या फिर बहुत सिंपल सी हो रही है कि नहीं तो गैस कर मेरे को लगा कि गैस नहीं कर पाएगी सीड्स है तो थोड़ा ऐसे ना एक सॉफ्ट पल्पी पल्पी जैसा लगता है मेरे को नहीं पता था कि वो इतनी स्मार्ट हो गई है आपके हाथ से तो क्या मैं टमाटर खाती नहीं उसे चलो अपना ये कब खिलाओगी वेल चम्मच ले रही है मतलब कुछ तो ऐसे पाउडर होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर कुछ पेस्ट होगा तो बताओ ये क्या है पेस्ट में स्वीट है फ्रूट है सिट्रस फ्रूट है दिस इज मौसमी ऑरेंज संतरा हां संतरा का तो जमाना है आई गेस हां ऑरेंज मौसमी मतलब मौसमी है ये संतरा है मौसमी नहीं तो मैंने गेस कर लिया है ठीक ठाक ओ शिट 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 तो उसको सब कुछ दिख रहा है तो अपन अभी इधर से लेके आएंगे ऐसे देख नहीं सकते यहाँ से देख नहीं सकते जल्दी फटक से बताओ इतना टाइम नहीं ले सकते तुम चम्मच
हरमन प्रात शिट यार गेस कर लिया इसने मतलब मेरे को लगा था कि नहीं गेस कर पाएंगे बिकॉज ज्यादा कोई खाता नहीं है च्यवनप्राश आजकल और च्यवनप्राश इज गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम तो च्यवनप्राश खाओ वेरी गुड तो अपन लोग खाते हैं घर पे तो सही गेस किया सिमरन ने तो सिमरन के 4 पॉइंट हो गए मेरे को लगता है मैं हारने वाला हूँ तो आ चुके हैं बहुत ही क्या बोलते हैं बहुत ही मुश्किल की मुश्किल यार मेरी हिंदी मतलब इतनी पुअर क्यों गई एक सेकेंड बहुत ही यार क्या बोलूँ मतलब बहुत ढूंढने के बाद वो कुछ चीज़ लेके आई है पता नहीं मतलब मैं गैस कर पाऊँगा कि ना अगर मैं गैस नहीं करता तो ये चैलेंज मैं हार जाता हूँ अगर मैं चैलेंज हार जाता हूँ तो मुझे डेयर करना होगा अगली वीडियो में मैं नहीं चाहता कि मैं चैलेंज हारूँ तो ड्रॉ हो जाए अगर ड्रॉ हो गया तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ड्रॉ हो जाए तो अपन लोग देखते हैं क्या करेंगे अपन स्टोर पेपर इधर खेलेंगे या फिर और एक एक ऐसे कुछ तो करेंगे सो लेट्स गो माय लास्ट राउंड 4 3 लेट्स गो अरे ये है दिल लीव्स कौन सा दिल लीव्स बोलो तो वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल कौन सा स्विगी भाजी हाँ राइट right. दिल्ली बोल रहे हैं यार अपन शेफ है और तुम शेफ को ऐसी सारी चीजें खिलाते हो वेजिटेबल वगैरह गैस कर लेगा आराम से वो दिल्ली के ना स्मेल से ही पता चल जाता है और मतलब टेस्ट से मतलब एक मिंटी जैसा टेस्ट आता है उसमें तो मैंने गैस कर लिया तो अब 4-4 हो गए पॉइंट अब सोच रहे हैं कि हम क्या करें ड्रॉ हो गए तो अभी तय तो करना मतलब किसी एक ना एक को तो हारना होगा ही तो क्या करें खत्म और एक एक राउंड नहीं ओके टू मेक दिस सिचुएशन मतलब कंपटीशन को खत्म करने के लिए मेरे पास एक और कंपटीशन है छोटा सा है अगर जो उस कंपटीशन में हार जाता है उसको करना पड़ेगा डेथ देखो विनर डिसाइड करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया सा गेम है जो कि है लेमन ईटिंग चैलेंज विदाउट एक्सप्रेशन लेमन को खाना होगा बट एक्सप्रेशन नहीं देना होगा 5 सेकेंड के लिए मतलब 5 सेकेंड के लिए फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए लेमन खाने का तो ये कुछ नहीं होना चाहिए जो भी एक्सप्रेशन देता है वो हार जाता है तो लेट्स गो ये हार गई ये हार गई मतलब हार ही नहीं है ड्रॉ भी हो सकता है क्योंकि अपन तो ऐसे नहीं कि अपन खट्टा खाते हैं बट लेट्स सी क्या होता है तो नाउ इट्स माय टर्न लेमन तुम्हारा पिछले वीडियो से बहुत दुश्मन बना फिर रहा है तो नाउ इट्स माय टर्न उतना भी डिफिकल्ट नहीं है तुम खा सकते हो अपन चैलेंज जीत गए ओके तो पब्लिक आपको अभी क्या करना होगा कि कमेंट करना होगा नीचे कि सिमरन को क्या डेयर करना है मतलब वो डेयर मतलब कुछ भी डेयर बट कुछ भी बोलो क्या जाती है उड़ी मनी ऐसे नहीं यार मतलब अब बहुत सारे कमेंट्स आएंगे उसमें से हम एक चूज करें मतलब मैं चूज करूंगा क्योंकि मैं जीता हूं तो मैं चूज करूंगा उसमें से डेयर और वो डेयर हम करेंगे और जो भी डेयर कमेंट करेगा उसको मिलेगा शाउट आउट अपने नेक्स्ट वीडियो में इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी डाला जाएगा अगर यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल का नाम भी डाला जाएगा और कमेंट भी फीचर कर देंगे नाम के साथ तो कमेंट कर दो फटाफट सिमरन के लिए कोई एक बढ़िया सा डेयर बट COVID-19 को ध्यान में रखते हुए देखो अगर तुम्हें ये चैलेंज पसंद आया हो तो तुम्हें पता है कि क्या करना है लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट कर दो कि तुम्हें कौन सा पार्ट इस चैलेंज में पसंद आया और पसंद आया कि नहीं चैलेंज और सिमरन अगले वीडियो में कौन सा डेयर करेगी
वो डेयर अगले वीडियो में आ सकते हैं, अगले के अगले वीडियो में भी आ सकते हैं, बट तुमको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। मतलब बढ़िया सा बढ़िया कमेंट ठोक दो भाई, मतलब एक ऐसा मतलब ना फटे मजा आना चाहिए, इतना बढ़िया चैलेंज तुम डेयर बता दो सिमरन के लिए तो। और सिमरन ये डेयर करना पड़ेगा जो भी हो, ओके डन है। थैंक सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।